और 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया, तब हमारे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी वहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की खबर आप तक पहुंचाई। आखिरकार 12 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में SIT ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो है सुबह से उससे पूछताछ की जा रही थी, तकरीबन 10:38 से उसके बाद गिरफ्तार कर दिया गया है, ये तो कहा गया है, गिरफ्तारी कर ली गई है आशीष मिश्रा की। ये बड़ी खबर इस मामले में। अगर बात करें पहले से जो है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी थी, आशीष पांडे और लवकुश की। अब इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और जांच में सहयोग नहीं करने और पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की आशीष मिश्रा पर किस किस तरह के धारा के तहत केस दर्ज हुआ है। अपनी बेगुनाही का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरफ्तारी से पहले आशीष मिश्रा पर बेहद गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी आशीष मिश्रा पर जो धारा लगाई गई है वे हैं दंगा करने और भड़काने के लिए IPC की धारा 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज, लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए धारा 279 लगाया गया, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए धारा 338 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, साथ ही आशीष के खिलाफ लापरवाही से मौत मामले में धारा 304A के तहत हत्या के साथ आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 302 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ। किसानों को रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की घटना के 6 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी वाले दिन क्या कुछ हुआ 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप बता दें। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा का न रुतबा काम आया, न पिता के केंद्र सरकार में मंत्री होने का उन्हें फायदा मिला। मसलन क्राइम ब्रांच के सामने पेशी के दौरान उन्हें अपना चेहरा फेस मास्क से ढकना पड़ा। 8 अक्टूबर की पेशी के दौरान नदारद रहे आशीष को जब 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे बुलाया गया तो वे समय से पहले ही वहां पहुंच गए। सुबह 10:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। सुबह 11 बजे से क्राइम ब्रांच की कुर्सी पर बैठे, जहां उनसे पूछताछ शुरू हुई। SIT ने 12 घंटे तक आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में आशीष मिश्रा से 40 सवाल पूछे गए। रात करीब 10:48 पर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। रात 11:30 बजे आरोपी का मेडिकल हुआ। 12:15 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जिसके बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया।